हुन असी अपने बिल्कुल उस स्टेट ऑफ माइंड तक पहुँच गए हाँ कि जिथे असी ईरखा दे आफ्टर इफेक्ट सिमटम्स नू देख रहे हैं, रिकगनाइज कर रहे हैं। तो हुन मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट है कि असी इस नू अप्लाई करके हुन छुटना किस तरह। कई सज्जन शुरू शुरू विच आके चले जाते हैं, उन्हां दी कोई मजबूरी हो सकती है, मैं उन्हां दी गैर हाजिरी च उन्हां नू ब्लेम नहीं कर सकता। इस करके मैं सोच रहा कि जेकर कोशिश की जाए कि लास्ट तक सुनिए तो हो सकता सानू बेनीफिट ज़्यादा हो सकता है। सो नाउ फैमिली लाइफ, ईरखा इन आवर फैमिली लाइफ। बच्चा किसी होर नू माँ की गोदी च देखता है, गेम शुरू होएगी माँ प्यो तो। माँ प्यो अपने बच्चे पति पत्नी मजहब होरना नालों घटिया लगना, ये जदों ये नॉट कंटेंटेड स्टेट ऑफ माइंड बनती है ना, तो असी दूसरों के नाल कंपेयर करते हैं और अपने घर वाली हर चीज़ नू घटिया समझन लग पैंदे आ। साडी फैमिली के अंदर ये वापरदा है। दो बच्चों की आपसी ईरखा का कारण मापियां की गलती हो सकती है। अज ही सवेरे नाश्ता करदिया बी जी मैनू कह रहे थे तू ये पॉइंट लिखिया, मैं क्या कि हुण इन्होंने दसिया ही मैनू अज सी, मैं उत्थे तक डवैल नहीं कर सकिया। शी सैड एक माँ प्यो दे दो बच्चे ने, मान लिया एक पहला बच्चा जमया, इन्होंने इस नू बहुत प्यार किया, बड़ा पैंपर किया, बच्चे नू पूरी तरह पैंपरिंग करके पूरा प्यार लाड कर करके इतना उन्हू ट्यून्ड कर दिता कि बच्चा इन्हों दे प्यार दा, इन्हों दा हर वेले ध्यान रखन दा, फुली पैंपर्ड होने दे कारण इस तरह मुथाज हो गया, स्पॉयल हो गया कि जदों घर विच दूजा बच्चा आंदा है उस बच्चे निक्के बच्चे नू अटेंशन ज़्यादा चाहिदी है। पर इसनू पहला जड़ी गलती कीती गई उस गलती दे कारण उस बच्चे दे नाल ईरखा शुरू हो जाती है, मेरी माँ इसका ज़्यादा ध्यान रखती है। किसी वेले मनु यह ईरखा हो गई सी कि मेरा वड्डा भरा है जोगी जो अजकल न्यूयॉर्क रहिंदा है, भई मेरे बीजी ना उहदे नाल ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं वर्ड यूज़ किए सी उह सक्का है मैं मत रहा। एंड मे बी इट हैपन्ड मैनी टाइम्स के घर अंडे लियाए गए, शायद अंडा एक सी, उसने काम ते जाना सी उन्हें दे दिता, ईरखा स्टार्ट्स, आई सैड हो सकता है उन्हें दिता, शायद मक्खन आखिरी चम्मच सी उसके फुलके ते रख दिती, शायद उसका फुलका रुड़िया ज़्यादा वधिया बनया होया सी उहदे ते मक्खन रख दिता, मेरा फुलका कच्चा सी स्वाद नहीं आया, तुसी उन्हें ते बड़ा वधिया दिता है, हो सकता है। यस, मैं इस रोग से पीड़ित हो चुका हूँ, मैंने अपने मम्मी पापा को भी औरों से कंपेयर करके बुरा समझा, मैंने अपने बहन भाइयों को भी दूसरों से कंपेयर करके बुरा समझा, मैंने अपने आप को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में डाला, इसलिए मैं उस बात को शेयर कर रहा हूँ। दो बच्चों की आपसी ईरखा का कारण मापियां की गलती भी हो सकती है, लेकिन आज जदों बीजी ने मनु ये वाला पॉइंट शेयर किया कि वो जड़ा निक्का बच्चा है ना उन्हूं ते कुछ समझ नहीं है, जड़ा हुने पैदा होया है ओदियां जड़ियां नीड्स ने उन्हां दा इस तरीके नाल ध्यान रखिया जाए कि जड़ा पहला बच्चा है ना इहदे जज्बात ना हर्ट हो जाण। वी हैव टू लर्न दिस बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। इस करके असीं लिविंग ट्रेजर दा नाम माइंड एलीवेशन प्रोग्राम दे बदले रख रहे हैं, हाउ टू बैलेंस यूर सैल्फ, माइंड एलीवेट करन दे बदले असी इहदा वर्ड यूज़ कर रहे हैं लिविंग ट्रेजर। दुनिया का कोई भी इंसान इसका मेंबर बन सकता है, क्योंकि इसकी फॉर्म भराई, मेंबरशिप फीस और पैसे लेने देने की कोई बात नहीं है। आप इस ट्रेजर को अपने घर में जी लो, यू आर मेंबर ऑफ लिविंग ट्रेजर। ये जीवन जाच का खजाना, ये प्यू दादे का खजाना, कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एक खजाने ले आ रलाए, आप कोई भी इसको जी सकते हो। दूजे बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखिए। ये वेले है ना कहीं नाना काका जाग पैसी तू परे हो जा, रोला ना पा, दूर चला जा, शोर ना मचाइयो, ये जाग पेगा, इसका मत ले, इसका दूध मत पी, तू इसका हिस्सा मत ले। जदों ए वड्डे वाले बच्चे नू असी करदे आ उहदे जज्बात जाग चुके ने,
ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਚਾਹ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੋਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਉਂਗਲ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕੋ ਕਹੋ ਘੋੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਛਿਨ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਜੋਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੋਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਇਲਿਊਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟ ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਈਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਈਰਖਾ ਇਨ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟਰਡ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਈਰਖਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਈਰਖਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਾਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਵਾਲਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਹੈਵੀ ਕੈਪਸੂਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਿਕ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਟਰਮੀਨਲ ਇਲ ਏਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਈਰਖਾ ਆਈ ਹੈ ਓਬੀਅਸ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਸ ਬਾਲਤਣ ਬੀਸ ਰਵਣ ਤੀਸਾਂ ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਕਾਵ ਹੈ ਚਾਲੀਸੀ ਪੁਰ ਹੋਏ ਪਚਾਸੀ ਪੱਖ ਹਿੱਸੇ ਸੱਠੀ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਭਾਵ ਹੈ ਸੱਤਰ ਕਾ ਮਤਹੀਣ ਹੋਏ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ ਸੱਤਰ ਅੱਸੀ ਨੱਬੇ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈਰਖਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ ਬੀਸ ਬਰਸ ਕੱਛ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਉ ਤੀਸ ਬਰਸ ਕੱਛ ਦੇਵਨਾ ਪੂਜਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣਾ ਬਿੜਤ ਪਿਓ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਿਓ ਈਰਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੀ